अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ भाई के तवस्सुत से बात करना चाह रहा हूँ। पहले तो माजरत चाहता हूँ कि कराची पहुँच नहीं पाया, और आप लोग आए होंगे, जितने भी लोग भी आए, बहुत ही दिल की गहराइयों से एक दफ़ा फिर कराची की सहाफत को सलाम सलाम पेश करता हूँ सबको। एक एक जो लोग आए हुए हैं बहुत चाहने वाले हैं हमारे, और बड़ी सीरियसली चीज़ बात करते हैं तो उसको लेता हूँ मैं बहुत ज़्यादा सीरियस। अपनी लाइफ में बहुत सारे साफ़ी हैं जिनके साथ मेरा कैरियर परवान चढ़ा है और जिनके साथ कैरियर ख़त्म भी हुआ है। लेकिन क्या है कि क्रिकेट गेम ऐसा है कि हमारा नाता हमेशा के लिए होता है। एक दफ़ा फिर सबको वेलकम करता हूँ यहाँ पे। आप लोग सवाल करना चाहते होंगे पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, वो आपको पता ही है कि थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, हम लोग हार गए, दो तीन इश्यूज़ हैं। नंबर वन, हमने बात उठाई पाकिस्तान का लोगो, एशिया कप पे पाकिस्तान का लोगो, उस पर कुछ लोगों ने आवाज उठाई, कुछ लोगों ने नहीं। मसलहत होती है लेकिन उठानी चाहिए अभी भी कि गलत हुआ जो कुछ हुआ। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि रिज़र्व डे एक हो गया, हमने उसके लिए बड़ी बातें की कि हमने रिज़र्व डे कर लिया, उसकी वजह से हम बाहर हो गए। पता है आपको, उसकी वजह से पाकिस्तान की टीम बाहर हो गई। वो ना मैच कम्प्लीट होता तो ना ही उनको पॉइंट मिलते, ना ही वो नेट रन रेट कैलकुलेट होता उसका। तो कल का जो मैच हुआ है बांग्लादेश और इंडिया का, वो सीरियस मैच होता है, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता था। तो वो इंडिया हारती तो पाकिस्तान नंबर टू होता, श्रीलंका नंबर वन होता। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि गलत फैसला से हुआ। फिर हमने एटीएम मशीन बनाया हुआ है अपने प्लेयर्स को, पाकिस्तानी प्लेयर्स को एटीएम मशीन बनाया है। शाहनवाज दानी का ट्रेवल प्लान आपने देखा होगा, एटीएम मशीन नहीं है तो क्या है भाई। और क्रिकेट टीम जहां लग रहा था हमारे 10 लड़के प्लेइंग 11 में आते हैं, ऐसा मौका कभी भी नहीं आया। अब हम सोचते हैं किधर हैं वो 10 लड़के हमारे। प्लेयर्स बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं लेकिन मैनेज सही नहीं किया जा रहा है। इंजरीज बहुत हो गई, अप एंड डाउन मैचेस, प्लानिंग, स्केजुलिंग, सब कुछ तहस नहस हो गया। प्लेयर है तो रोबोट थोड़ी है कि आप अप एंड डाउन इतना करा दो, उसकी बॉडी में जान ही नहीं होगी। नसीम शाह बेहतरीन बॉलर वर्ल्ड का, वो अनफिट होता हुआ नजर आ रहा है। हारिस रोज को देख लें, मोहम्मद वसीम को देख लें, पेस कम हो गई। शाहीन स्ट्रगल कर रहा है, बहुत प्रॉब्लम चल रही है। मतलब वो मेन बॉलर है, उसको थका दिया आपने। ऊंट थोड़ी है कोई यार, कोई घोड़ा थोड़ी है वो, तो आपने रगड़ के रख दिया है। खैर थोड़ा सा हार्श हो जाता हूँ लेकिन ये हकीकत है पाकिस्तान क्रिकेट की। डोमेस्टिक क्रिकेट ऐसे हो रही है जैसे कि ना यार कि पेल रहे हो काम को। नहीं नहीं ऐसा नहीं करोगे, 4-5 अरब रुपये का गेम है सारा ये।